पत्रकारों का नाम सुन भड़कने वाले चौकी इंचार्ज महेशी आए दिन चर्चा का विषय बन चुके हैं। वहीं ग्रामीणों के साथ भी नोकझोंक होती रहती है। इनकी पता नहीं क्या कारण है जो ये पत्रकार का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। पूरा मामला महेशी चौकी हरदी थाना क्षेत्र का है, जो कि पत्रकार के घर से 100-150 मीटर की दूरी पर चेकिंग अभियान लगाए हुए थे। पत्रकार की राजी चौराहा पर RCM की एक दुकान है, जिससे संबंधित कोई सामग्री लेने के लिए मार्केट में आया था। उसी दौरान पुलिस कर्मचारियों ने रोका और जब पत्रकार ने कुछ कहना चाहा तो बिना कुछ सुने ही साहब कुछ ऐसे भड़के जैसे कोई पुरानी रंजिश हो। साहब तो कुर्सी छोड़ खड़े भी हो गए। आखिर क्या माजरा हो सकता है? साहब पत्रकारों का नाम सुन भड़क उठते हैं। इसी प्रकार का यदि रवैया रहा तो साहब का तो पत्रकारों की कवरेज के दौरान भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चौकी इंचार्ज महेशी इससे पहले भी लॉकडाउन के दौरान भी कुछ पत्रकारों से भड़क गए थे और कहासुनी भी हुई थी, जिसके बाद इस ताजे मामले ने फिर से नया मोड़ ले लिया है। आखिरकार इसी प्रकार के रवैये से नाराज पत्रकार संघ अब चुप नहीं बैठेगा। सोमवार को चौकी इंचार्ज द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के संबंध में SP महोदय को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की जाएगी। आए दिन पत्रकारों को ही बनाया जाता है टारगेट। इससे पहले भी साहब अपनी गुंडागर्दी से मशहूर होते नजर आए। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मेरा चौराहा का निवासी हूँ। कल शाम को चौकी इंचार्ज महेशी के द्वारा राय चौराहा नहर पर चेकिंग अभियान लगाया गया था, जिसमें कुछ आवश्यक कार्य होने की वजह से मैं RCM की दुकान पड़ती है वहाँ पर जा रहा था। तो दीवान जी बालेंद्र प्रताप सिंह ने मेरी गाड़ी को हाथ दिया, रुका, मैं रुक गया था। उन्होंने मैं हेलमेट नहीं लगा रखा था, उन्होंने कहा कि चालान कटेगा आपका। उन्होंने कहा ठीक है सर, कटेगा। और फिर उन्होंने मतलब अभद्रता से मुझसे ऐसे बात की, कहा कि चालान तो आपको कटेगा ही कटेगा। तो मैंने बाइक को साइड में लगा दिया। उसके बाद में चौकी इंचार्ज विनोद कुमार सिंह बहुत ही भड़काऊ टाइप से अपनी कुर्सी से फेंक करके उन्होंने कहा काट चालान इसका काट। और दीवान जी ने इस वर्ड का भी यूज करते करते कहा कि आप किसी भी पेपर से हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।